भारत माता की जय। योगराज शर्मा जी जिंदाबाद, योगराज शर्मा जी जिंदाबाद, पंजाब शिवसेना जिंदाबाद, पंजाब शिवसेना जिंदाबाद, बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद, बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शीशा बंद कर दो गड्डी तोड़ दो, शीशा बंद कर दो गड्डी तोड़ दो। अभी बात बादशाह का एक सपना था, अभी महाराज श्रीनगर और हर शिव सैनिक का, हर देश प्रेमी का एक सपना था कि लाल चौक जो हमारा नेशनल फ्लैग है, तिरंगा है, उसको सलूट करने का एक सपना हर कार्यकर्ता के मन में रहता था। तो मुझे लगता है भी हमारे प्रदेश के महासचिव जम्मू कश्मीर के मनीष सानी जी, मुझे लगता है भी ये कार्यकर्ताओं का जो सपना है पूरा करने जा रहे हैं। तो इसलिए एक मन में ख्याल था, तमन्ना थी, जो सपना आत्मीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने पूर्व स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे, उनका एक सपना था कि जम्मू कश्मीर स्टेट से 370 टूटे और एक हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बने। वो ये सपना जो पूरा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान इसमें गर्व कर रहा है, खुशी का इजहार कर रहा है, तो उस खुशी को बांटते हुए हमारा भी मन कर रहा है कि हम श्रीनगर जाएं, सरकार हमें आज्ञा दे, वहाँ जाके लाल चौक जितने भी हमारे भाई हैं फौजी जो दिन रात हमारी रक्षा कर रहे हैं उनको सलूट करने को मन कर रहा है, उन लोगों को मिलने को मन कर रहा है। इसलिए शिवसेना ने जो निर्णय लिया सानी जी के नेतृत्व में, सानी जी को भी सलूट करते हैं, तो मुझे इस सरकार से आदरणीय राज्यपाल जी से निवेदन भी है, प्रार्थना भी है कि हमें श्रीनगर जाने का मौका। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के तमाम नेता, और हमें बहुत खुशी है कि हमें पंजाब से यहाँ से योगराज शर्मा जी भी यहाँ पहुँचे हैं हमारे साथ, कंधे से कंधा मिलाकर तमाम शिव सैनिक पंजाब और जम्मू कश्मीर से हम ऐतिहासिक लाल चौक पर कूच कर रहे हैं। और आज स्वतंत्रता दिवस जो हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस है वे बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब 5 और 6 अगस्त एक हमारे लिए सुनहरा दिन थे जब राज्यसभा और लोकसभा के अंदर 370 को निष्प्रभावी बनाया गया था और जम्मू कश्मीर के अंदर पूर्ण रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था।